हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को श्री गणपति जी के विशेष उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सब तो आइए हम आप सबको लेकर चलते हैं गणपति जी के ऐसे विशेष स्थान पर जहां पर आप गणपति जी के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में ही उनके पिताजी यानी कि हमारे भोले बाबा जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 स्वरूप है, जो अलग अलग स्थानों पे विराजित हुए हैं, वो एक ही जगह आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए हमारे साथ। तो ये हमारी एंट्री है और हमारे भोले बाबा जी यहाँ पे विराजमान हैं अपनी विशाल काय मूर्ति के साथ, स्वरूप के साथ। और देखिए पूरी मेरे कैमरे में भी नहीं आ रही। और इसके बाद हम देख रहे हैं भोले बाबा जी की पहली शिव ज्योतिर्लिंग। और चलिए आगे आगे पढ़ते हैं, इसके पीछे नाम भी लिखे हुए हैं इनके कि कौन कौन जगह में स्थित है। कोई गुजरात में, कोई आंध्र प्रदेश में, कोई महाराष्ट्र में, कोई नासिक में। हर शिवलिंग जो यहाँ पे स्थापित किया हुआ है उनके साथ इनका नाम स्थान सब दिया हुआ है। और मैंने वीडियो के लास्ट में हर शिवलिंग जी के ऊपर एक टाइटल दे रखा है कि कौन सी जगह विराजमान है, लेकिन आपको कहीं भी दूर पार जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप सारे ज्योतिर्लिंग की जो है दर्शन कर सकते हैं। हमारे 12 के 12 स्वरूप जो भोले बाबा ने किसी कारण हर जगह कुछ ना कुछ स्वरूप छोड़ा है, तो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना। और आपके जो ज्योतिर्लिंग के धाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब यहीं पे आपको दिखेंगे और सबके स्वरूप बना रखे हैं बहुत अच्छे से। ये हमारे गणपति जी की जो पंडाल लगा है वहाँ पे ही उन्होंने बहुत अच्छे से करा किया हुआ है सारा काम, और बहुत ही मेहनत लगी है हमारे केदारनाथ जी। तो सब यहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और घर बैठे ही हमारे भोले बाबा जी के दर्शन कीजिए और पुण्य कमाइए। मैंने तो सोचा था कि इस साल ना हम गणपति जी की विशेष पूजा कर पाए, ना जन्माष्टमी में विशेष पूजा कर पाई कुछ कारणों के कारण। मतलब तो कहते हैं ना, भक्त भूल जाता है, भगवान नहीं भूलता। भक्त दुखी हो तो भगवान पहले दुखी होता है, लेकिन भक्त को एहसास नहीं होता। लेकिन जब भक्त बहुत दुखी होता है और ऐसे मतलब मोमेंट मिल जाते हैं, देखने को कैसे मौके मिलते हैं, तो सोच लो कि जन्म सफल है। और मेरे को भी घर बैठे बैठे ही मैंने ये सारे ज्योतिर्लिंग देखे हैं। मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं, कौन सी शिवलिंग कहाँ के विराजमान है, कौन सी, जैसे तमिलनाडु में है श्री रामेश्वर जी। तो ये सारे जो है ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान सब लिखा हुआ है। और इसी के साथ आप हमारे वीडियो का दर्शन का आनंद लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः। तो बाय बाय।